भारत ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 75 रनों से हराकर चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। भारत को पुणे में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 333 रनों से मात दी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथी पारी में 188 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके सामने उनकी पूरी टीम 112 रनों पर आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में 189 और दूसरी पारी में 274 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 276 रन बनाए थे। चौथे दिन सुबह के सत्र में ईशांत शर्मा ने मैट रेनशॉ को 5 के स्कोर पर विकेटों के पीछे साहा के हाथों कैच करवाकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद अश्विन ने डेविड वॉर्नर को 17 के स्कोर पर LBW आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। भारत को तीसरी सफलता शॉन मार्श के रूप में मिली। उन्हें 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर उमेश यादव ने LBW आउट किया। भारत की दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले KL राहुल मैन ऑफ द मैच चुना गया। कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ को 28 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर उमेश यादव ने पग बाधा आउट कर भारत को चौथा विकेट दिलाया। अश्विन ने मिचेल मार्श 13 को नायर के हाथों कैच आउट कराया और भारत को पांचवी सफलता दिलाई। अश्विन ने अपने अगले ओवर में मैथ्यू वेड को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट कराया। वेड अपना खाता भी नहीं खेल सके और रिद्धिमान साहा ने विकेट के पीछे उनका बेहतरीन कैच पकड़ा। मिचेल स्टॉक को अश्विन ने अपना चौथा शिकार बनाया और उन्हें 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने स्टीव ओकीफ को बोल्ड कर भारत को आठवीं सफलता दिलाई। अश्विन ने हेंडिसकॉम्प को 24 के स्कोर पर विकेट के पीछे कैच आउट करवाकर अपना पांचवा विकेट झटका। अश्विन ने नाथन लियोन 2 को कॉट एंड बोल्ड करके पारी में छठा विकेट लिया और ऑस्ट्रेलियाई पारी का अंत कर दिया। इससे पहले चौथे दिन सुबह के सत्र में भारत ने तीसरे दिन के अपने स्कोर 213 रन 4 सेकंड आगे खेलना शुरू किया। सेट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे 52 को स्टॉक ने LBW आउट किया। इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने करुण नायर को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। हालांकि वह तीसरी गेंद पर तीसरा विकेट लेने में नाकाम रहे, पर उन्होंने भारत को 2 झटके देकर अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया। इसके अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने पुजारा 92 को मिचेल मार्श के हाथों कैच करवाकर शतक से ठीक पहले आउट कर दिया। इसी ओवर में उन्होंने अश्विन 4 को भी आउट कर एक ही ओवर में 2 विकेट लिए। हेजलवुड ने उमेश यादव को 1 वॉर्नर के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को 9वां झटका दिया। इसी के साथ हेजलवुड ने पारी में 6 विकेट भी पूरे किए। भारत का आखिरी ओवर स्टीव ओकीफ ने लिया। उन्होंने ईशांत को 6 रनों पर शॉन मार्श के हाथों कैच आउट करवाया। रिद्धिमान साहा 20 रन बनाकर नाबाद रहे।